हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा गया था, किनके द्वारा किए गए अनेक उपनिषदों के फारसी अनुवाद के संकलन को सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। सही जवाब था दारा शिकोह। अगले ही दिन आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर गोपाल कृष्ण गोपाल ने भी शिकोह का गुणगान करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर दारा शिकोह शासक होते तो आज इस्लाम भारत में फलता फूलता, लोगों में इस्लाम के प्रति वो रवैया ना होता जो आज है। आखिर कौन है ये दारा शिकोह जिसे संघ एक आदर्श मुसलमान के रूप में पेश कर रहा है, क्यों उन्हें एक सच्चा मुसलमान बता रहा है? दरअसल दारा शिकोह का रुझान हिंदू धर्म की ओर था और वो इसके दर्शन को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। इसके साथ ही दारा इस्लाम सूफी परंपरा के भी कायल थे। उन्होंने इस्लाम और वेदांत के एकीकरण की दिशा में काफी काम किया था। उन्होंने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था और वे एक सच्चे मुसलमान भी थे और नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ा करते थे। दारा शिकोह अकबर और हुमायूं से प्रभावित थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने एक शानदार किताब लिखी, मजमा उल बहरीन यानी दो सागरों का मिलन। ये सूफी मत और हिंदू ईश्वरवाद के बीच समानता पता लगाने का एक बेहतरीन प्रयास था। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े बेटे थे। शाहजहां दारा को खूब पसंद करते थे और उसे ही गद्दी देना चाहते थे। हालांकि गद्दी की लड़ाई में उनका भाई औरंगजेब भारी पड़ा। औरंगजेब ने दारा समेत अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था। औरंगजेब में इस्लाम को लेकर कट्टरता थी, लेकिन दारा शिकोह सूफी परंपरा और हिंदुत्व की ओर झुकाव रखते थे। सत्ता संघर्ष में औरंगजेब जीत गया और उसने दारा को कैद कर लिया, उन पर काफिर होने का इल्जाम लगाया और उनकी हत्या कर दी गई। दारा अध्यात्म और सर्वधर्म संभाव के मुरीद थे। जनता औरंगजेब की तुलना में उन्हें ज्यादा पसंद करती थी। अब आरएसएस मुगल सम्राट औरंगजेब के भाई दारा शिकोह में अपना नया आइकन तलाश रही है। अब जरा नजर डालते हैं उनके जीवन काल पर। दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ। शिकोह की परवरिश भी मुगलिया तौर तरीकों से ही हुई, लेकिन वो सभी धर्मों में विश्वास रखने वाला बड़ी सोच वाला शहजादा था। आमतौर पर मुगल शासकों के बच्चों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। दारा शिकोह को भी ये प्रशिक्षण मिला, लेकिन वो अपने भाइयों से अलग ज्यादा वक्त किताबों में खोए रहते थे। दारा को 1633 में युवराज बनाया गया, 1645 में इलाहाबाद, 1647 में लाहौर और 1649 में वो गुजरात के भी शासक बने। 1653 में कंधार में हुई पराजय से उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा, फिर भी शाहजहां ने उन्हें ही उत्तराधिकारी के रूप में देखा, जो दारा के दूसरे भाइयों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। शाहजहां के बीमार पड़ने पर औरंगजेब और मुराद ने दारा के काफिर होने का नारा लगाया। इनके बीच युद्ध हुआ। दारा दो बार, पहले आगरा के पास सामूगढ़ में जून 1658 में और फिर अजमेर के पास देवराय में मार्च 1659 में पराजित हुए। अंत में 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब की हत्या करवा दी गई। दारा का बड़ा बेटा औरंगजेब की क्रूरता का भाजन बना और छोटे बेटे को ग्वालियर में कैद कर लिया गया। अमर उजाला.com